तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मेन। तो स्वागत है आपका चीडे 5 के वीडियो में। कैसे सबके सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। लास्ट वाले एपिसोड में आप सबको पता होगा हम लोग एक रेसिंग टूर्नामेंट के लिए गए थे, जो था यार वाई सिटी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट और वो एक आइलैंड पर ऑर्गेनाइज था। उसको यार हम लोग जीतते जीतते रह गए थे और वहाँ पर अंकित है ना, जो उसकी भी टीम आ रखी थी, डगन बॉस आया था, वहाँ पर ईगल आया था और जैसे तैसे यार हम लोग उसमें थर्ड पोजीशन पर आए। लेकिन हम लोग हार गए थे। फर्स्ट वाले को ना एक मॉल मिल रहा था वाई सिटी का, बहुत ज़्यादा तगड़ा। उसके बाद यार जैसे तैसे तुम्हारे भाई ने दिमाग लगाया और जो उस रेस को जीता था उसको हमने ना लालच वगैरह दे करके उससे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए और टॉमी को ला करके मैंने वो सारे के सारे मॉल के डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, जिससे टॉमी एंड सीजे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और बाकी ना जो मॉल है इनके नाम हो चुका है और उसमें से कुछ परसेंट कमीशन जो भी इनकी मंथली इनकम होगी वो उसमें से मेरे को मिलेगी। मैं तो मना कर रहा था यार, लेकिन टॉमी कह रहा है कि नहीं, तेरी सारी मेहनत है, तेरा भी प्राइज मिलना चाहिए। तो ठीक है यार, यहाँ पर एक बार नज़र मार करके देख रहे हो, ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, टॉमी एंड सीजे को रेसिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इन्होंने ना इधर उधर कंट्री से खरीद रखी हैं। इस वाली गाड़ी को तो मैं ड्राइव कर चुका हूँ, अभी ना मैं उसको ड्राइव करूँगा जो येलो कलर की खड़ी है ना यार, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल गाड़ी है। पीछे की साइड देख रहे हो, इसके अंदर ना एक बहुत ज़्यादा तगड़ा रॉकेट लगा हुआ है। अबे यार इसको अभी ड्राइव करके मैं देखता हूँ। लेकिन यहाँ पर नज़र मारो स्काईलाइन, जो आइलैंड पर मैंने जिसको भगाया है और रेस जीतने की पूरी फुल ट्राई करी है। गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी और ये भी ना टॉमी ने परचेज कर लिया है। तो चलो गाइस, अभी ना पहले मैं गाड़ी को ड्राइव करने से मैं आपको बताता हूँ कि अंदर क्या सीन चल रहा है। अभी ना मैं लॉस सैंटोस के लिए निकलूंगा, लेकिन उससे पहले अपने को जाना है इधर के मॉल में, जो कि हमारा हो चुका है। और सबसे पहले आपको चल करके मैं जिम्मी से मिलवा देता हूँ, क्योंकि ना जिम्मी को तो भाई अभी मैं 10 या 15 दिन के लिए ना वाई सिटी ही छोड़ करके जाऊँगा। और ये देखो यार, टॉमी कह रहा है और सीजे कि कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग ने इसको फुल ट्रेंड कर देंगे। यहाँ ना ये पैसे देख रहा है इनके, और बाकी पीछे की साइड कुछ वेपन्स वगैरह हैं जिन्हें सुबह सुबह जिमी चला रहा था यार। अब यार जिमी बड़ा हो चुका है तो उस पर हम लोग ना प्रेशर नहीं डालने वाले। वैसे भी आपको पता है वो हर जगह पिट जाता है, जिस करके मेरे को उसको बचाने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन छोड़ो, अब जिमी हो चुका है बड़ा, अब हम लोग इसको बनाएंगे खतरनाक वाला गैंगस्टर। इसके पास एक पिस्टल थी, इससे हम लोग पिस्टल छीन करके इसको AK-47 देंगे तो दिक्कत की बात ही नहीं है। 15 से 10 दिन के लिए मैं इसको ना वाई सिटी छोड़ूंगा और टॉमी एंड सीजे कह रहे कि हम लोग इसको बहुत ज़्यादा तगड़ा एक गैंगस्टर बना देंगे जो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब माफिया टाइप का नहीं पोस्ट होती वैसा। तो ठीक है गाइस, यार आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ वीडियो को लाइक करो। जो वीडियो का लाइक है मैं वो है पूरे 40,000 लाइक्स का। चैनल को भी जरूर से कर दो सब्सक्राइब। और आपने पैल वर्ल्ड की वीडियो देखी कि नहीं देखी, जो कि प्रीवियस वीडियो है, उसको भी जा करके जरूर से देख लो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड है वो भी। तो चलो अब जल्दी से ना मैं इस गाड़ी में बैठ चुका हूँ। देखो यार, टॉमी भी मेरे साथ रेस लगाएगा क्या? मैं गाड़ी में बैठा आकर के ये भी बैठ चुका हूँ। और एक मिनट, अबे ये क्या चीज था, ये गाड़ी लेकर के कहाँ चला गया यार, बहुत ज्यादा खतरनाक गाड़ी है। रुको, मेरे को ना आराम से इसको लेकर के चलना चाहिए। लेकिन एक मिनट, अबे नहीं 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 नहीं, कौन सी गाड़ी है यार इस पे, तो एक तो भाई हवा से बातें कर रही है और दूसरी तो आसमान में जा चुकी है। एक काम करता हूँ, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ओ भाई, टॉमी कहाँ जा रहा है यार गाड़ी को उड़ा करके, मेरे को ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, इसको ना यहाँ से भगाने की पूरी फुल ट्राई करते हैं। अबे यार, पूरी रॉकेट वाली गाड़ी है यार ये, देख रहे हो यार गाड़ी का भागती है। भगा करके मैं इस वाले रोड पर आ गया हूँ और यहाँ पर अब मैं काम करता हूँ, वापस से प्रेस करता हूँ एक बटन को जिसकी मदद से बूस्ट मिलता है। ओ भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला व्हीकल है यार ये, अपने को ना रॉबरी में काम आ सकता है, समझ रहे हो? अरे अरे, आराम से आराम से आराम से यार, इसको भी ना हम लोग यूज़ करेंगे कभी ना कभी, जब हमें ना कोई खतरनाक सा काम मिलेगा ना, लूसी वगैरह का जब प्लान होगा, तो हम लोग इस गाड़ी को ना अपने लॉस सैंटोस मंगाएंगे और उसके बाद हम लोग इसको रॉबरी में यूज़ करेंगे। लेकिन जो गाड़ी है, अबे यार ठीक है यार, कुछ ज़्यादा मेरे से संभल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी है। और उसको देख लो, टॉमी की जो गाड़ी है वो तो नेक्स्ट लेवल है भाई, क्या जंप करके उड़ जा रहा है यार उसको लेकर के वो। तो चलो यार, अब जहाँ से इसको उठाया था ना, इसको वापस से लगा देते हैं। मैंने ठोक उक तो दी है, लेकिन क्या करूँ यार, गाड़ी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, बस यार मैं टॉमी के व्हीकल्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाला, बहुत ज़्यादा खतरनाक व्हीकल है। और अभी देखो, एक गाड़ी और आ गई है, इसका वर्कर लेकर के आ गया होगा कोई। अब यार बहुत ज़्यादा खतरनाक गाड़ी है तेरे पास टॉमी, मेरे को ना यहाँ से चलना चाहिए सीधा ऊपर की साइड। और देखो, सीजे, टॉमी और मैं, हम तीनों ना इस टाइम पर वाई सिटी के मॉल जाने वाले हैं, जो कि सबसे बड़ा है। चल ठीक है यार, टॉमी जा करके सीजे को कह दे और हम लोग ना यहाँ से निकलते हैं सीधा।
उस मॉल के लिए। तो हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों में जाएंगे जो कि जी वैगन है। यार पूरी माफिया वाली फील आ रही है यार, क्योंकि आपको बताया टॉमी एंड सीजे वाई सिटी के माफिया हैं यार। ठीक है यार, तो मैं तो पूरा फुल रेडी हूँ, टॉमी एंड सीजे आते ही होंगे। चलो यार, वेट करते करते देख रहे हो टॉमी एंड सीजे भी दोनों के दोनों आ चुके हैं और जिमी को हमने बोल दिया कि तेरे को ना वर्सिटी मेंशन पर ही रहना है और कहीं पर भी नहीं जाना है। तो चलो तेरी किस बात की है, अब जल्दी से ना मैं अपनी जी वैगन को यहाँ से भगा करके आगे की साइड चलता हूँ। और बाकी यार कुछ भी बोलो, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तगड़ी थी यार, मैं उसको ना वापस यूज़ नहीं करने वाला, मैं सही बता रहा हूँ। एक बटन को प्रेस करा भाई, रॉकेट की तरह उड़ रही थी। बहुत ज्यादा महंगी होंगी, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो गाइस, हम लोग ना अपनी अपनी जी वैगन्स लेकर के जा रहे हैं सीधा उस मॉल में। और पता भी तो चले जो भी मॉल में बंदे हैं कि आज ओपनिंग है, और जो भी ऑनर है ना वो लोग अपनी अपनी गाड़ियों में आए हैं खतरनाक वाली। तो चलो अब जल्दी से ना यहाँ से अपनी जी वैगन को हम लोग भगा करके सीधा चलते हैं उस वाले मॉल पर। इस टाइम पर ना हम लोग अपनी जी वैगन्स को लेकर के पहुंच गए हैं सीधा उसी मॉल पर जो ना सीजे और टॉमी के नाम है। और ये देख रहे हो गाइस, ये है द नॉर्थ पॉइंट मॉल, जो सबसे बड़ा है वाई सिटी का मॉल। और यहाँ पर अपनी ग्रैंड एंट्री हुई है, ऊपर की साइड देख रहे हो इन्होंने क्रैकर्स वगैरह चला रखे हैं। और ठीक है यार, हम लोगों ने ना यहाँ पर अपनी जी वैगन्स को कर दिया है पार्क। और बाकी एक बार नज़र मारो यार, ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, ये सारी की सारी जाएंगी मॉल के अंदर। और ये जैसे रेंज रोवर का ब्रांड हो गया, ठीक है, जीएमसी का हो गया, उनके साथ पार्टनरशिप होगी इस मॉल के अंदर, और अमीर हो जाएंगे भाई टॉमी एंड सीजे बहुत ज़्यादा। तो चलो अब जल्दी से ना हम लोग थोड़ा सा और इस साइड को चलते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हो रेंज रोवर है, जीएमसीज वगैरह बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े मॉडल्स की हैं। और ये खड़े हैं भाई यहाँ के एक मैनेजर, दो लोग हैं मतलब मैनेजर, जो कि टॉमी और सीजे को गाइड करेंगे कि इनको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से सेव करना है, भाई सब कुछ करने वाले हैं। पूरा मॉल इनके नाम है भाई, दो लोग तो नहीं संभाल पाएंगे, इनको पूरी की पूरी टीम चाहिए होगी। तो ठीक है, ओ भाई आज पहला दिन है, मतलब मॉल तो पुराना, आज पहला दिन है और बहुत ज़्यादा बंदे हैं यार मॉल के अंदर। ये देखो ये सारे के सारे ओपनिंग के अंदर आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा सही यार। और एक मिनट, ये सामने की साइड गाड़ी है ना, ये कौन सा ब्रांड है यार, ये अलग से खरीदा कि साथ में मिला, वो तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन दिखने में तो मेरे को लंबोर्गिनी सियान लग रही है। ये यहाँ पर है तो देख रहे हो गाइस, मेरे को लग रहा है ना यार ये शोकेस होने के लिए आ रखी है, या तो इसका कोई न्यू कलर आया होगा या तो कोई न्यू मॉडल होगा, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है दिखने में। कुछ बंदे फोटोशूट वगैरह करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सही यार। थोड़ा सा ना खा पी लेते हैं और यहाँ पर डांस वगैरह करते हैं, और उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा लॉस एंटोस के लिए। और वहाँ पर ना यार मेरे को बहुत ढेर सारे काम है, तो सबसे पहले चलते हैं कुछ खाने के लिए यहाँ जो भी शॉप्स है ना इधर। वैसे तो ना इस टाइम पर पार्टी वगैरह पूरी हो चुकी है, खा पी लिया हमने, डांस वगैरह भी कर लिया है, पूरा एक घंटा हो गया इधर। तो अब चलते हैं हम लोग सीधा लॉस एंटोस के लिए। और अभी ना अपने को एयरपोर्ट पर जाना होगा, तो टॉमी अपने को लेकर के चल रहा है एयरपोर्ट पर। और बाकी एक बार नज़र मार रहे हो जो भी मैनेजर है ना, ये सारे के सारे ना टॉमी सर बोल रहे हैं, सीजे सर बोल रहे हैं और माइकल सर बोल रहे हैं। अब इनको क्या पता यार कि इनको किसने दिलवाया मॉल। जैसे तैसे यार हमने अपने नाम करवा लिया था, फिर हमने टॉमी और सीजे को दे दिया। तो ठीक है यार, अब जल्दी से ना हम लोग यहाँ से सीधा चलते हैं एयरपोर्ट के लिए, और उसके बाद हमें निकलना होगा लॉस सैंटोस के लिए। और बाकी जितनी गाड़ियाँ ना हम लोग कोई भी ड्राइव कर सकते हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी टॉमी की है यार, इसमें जाना है क्या रोल्स रॉयस में? अबे भाई ये बहुत ज़्यादा तगड़ी रोल्स रॉयस है, टॉमी कह रहा है कि इसको ड्राइव कर। चलो जल्दी से ना काम करता हूँ, मैं इस रोल्स रॉयस के अंदर तो बैठ चुका हूँ। और भाई बहुत ज़्यादा लग्जरी गाड़ी है, ऊपर की साइड देख रहे हो यार कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। तो चलो अब जल्दी से ना इसको मैं भगाता हूँ इधर से। और एग्जॉस्ट तो बहुत ज़्यादा प्यारा है यार इस रोल्स रॉयस कार का। यार ये ना फ्री में मिल रही है टॉमी को, बस इसको क्या काम करना है, इस गाड़ियों को शोकेस करना है मॉल के अंदर। अबे सही है यार, लाइफ हो तो टॉमी एंड सीजे जैसी हो। तो सीधा ना अभी मैं इस गाड़ी को भगा करके ना देखता हूँ ठीक ठाक की स्पीड है, और ये ड्रिफ्ट मारते है। नहीं 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 भाई 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 आराम से आराम से, लग्जरी गाड़ी है भाई, अभी तो मैं ले जा करके इसको ठोक देता। लेकिन टॉमी कह रहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठोकनी भाई तेरी ही है, इसको तोड़ दे फोड़ दे कुछ भी कर, लेकिन नहीं यार
मैं ना इसको आराम से चला करके सीधा चलता हूँ इधर से। गाड़ी दो ना यार बहुत ज्यादा प्यारी है, चलने में भी और लुक में भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और इस टाइम पर ना हम लोग इसको भगाते भगाते पहुंच चुके हैं सीधा वाई सिटी के एयरपोर्ट पर। और टॉमी कह रहा है कि ना इसका कोई जान पहचान का बंदा है और इसने ना जेट अरेंज करवा दिया उस बंदे से, तो या तो हम लोग उसको ले जाएं या तो हम लोग जेट को ले जाएं। तो मैंने कहा यार उसको तो मैं क्या ले करके जाऊं, मैं काम करता हूं, मैं जेट को ही ले जाता हूं। तो टॉमी कह रहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, जेट को आराम से अपने पास ही रख तू ले जा करके, एक तरह से ना तेरा ये गिफ्ट है। तो ठीक है यार, ये है क्या, टॉमी तो कह रहा है कि बिल्कुल अपने को यहाँ पर आना था। तो ठीक है अब जल्दी से ना अपनी रोल्स रॉयस से उतरते हैं भाई, कुछ भी बोलो। गाड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी थी और ये जेट है, हाँ यार ये तो भूल रहा है कि यही है। तो सबसे पहले ना हम लोग उन बंदों के पास चलते हैं और उनसे चल करके ना बातचीत करते हैं। और ये जो जेट है ये एक तरह से अपने को गिफ्ट में मिलने जा रहा है। अबे भाई टॉमी भाई सही में रिच हो गया है भाई, बहुत ज़्यादा। पहले नहीं थे लेकिन अब ये लोग हो चुके हैं। और इनका जेट था क्या, इनसे खरीद लिया या तो कुछ भी, मेरे को सीन नहीं पता। लेकिन एक चीज़ मेरे को मालूम है कि अपने को जाना है सीधा इस जेट के अंदर। तो ठीक है यार टॉमी मैं निकलता हूँ क्योंकि मैं हो रहा हूँ लेट और आऊँगा, बस तुम लोग जिमी को पूरा फुल ट्रेंड कर देना ठीक है। हाँ हाँ टॉमी बहुत ज़्यादा सही यार, ठीक है यार जो भी है निकल इधर से। अब हम लोग भी निकलते हैं लॉस सैंटोस के लिए। चलो हम लोग इस ब्रांड न्यू जेट के अंदर तो बैठ चुके हैं और यहाँ से इस जेट को भगा करके अब अपने को जाना होगा लॉस सैंटोस के लिए। चलो यार अब इसको ना मैं बहुत ज़्यादा प्यार से उड़ाने वाला हूँ क्योंकि ये जो जेट है ये अपना हो चुका है। तो ठीक है आगे जा करके ना एंड से मैं टेक ऑफ करूँगा इस जेट का। तो 3 2 1 चलो गाइस, इस टाइम पर तुम्हारे भाई ने इधर से टेक ऑफ तो कर लिया है। बाकी ना यार अंदर से बात करें तो अंदर से इतना खास नहीं होगा, नॉर्मल होने वाला है। चलो भगाते हैं इसको, अब चलते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। और ये देख रहे हो पानी के ऊपर से कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है यार ये जेट। और एक मिनट, अरे 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 भाई मैंने इसके टायर बंद नहीं करे हैं। चलो अब हो चुका है सब कुछ सही और इसको लेकर के चलते हैं लॉस सैंटोस के लिए। देख रहे हो गाइस यार ये जो जेट है बहुत ज़्यादा खतरनाक है यार, मेरे को 2 या 3 घंटे लगे होंगे, मैं पहुँच चुका हूँ सीधा लॉस सैंटोस पर। अब जल्दी से ना इसको मैं यहाँ पर लेकर के लैंड करवा देता हूँ। और ये पर्सनल अपना है तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पर ना रेंट पर कोई भी वेयर हाउस ले लूँगा। और मैंने ना यार एक काम कर दिया था, मैंने ना ट्रेवर को एक मैसेज कर दिया था कि जल्दी से आ जा लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट पर मेरे को लेने के लिए आ जा। तो चलो इस टाइम पर जो अपना जेट है प्रॉपर वाले तरीके से लैंड तो हो चुका है और मेरे को ना यार आगे की साइड उसको ले जा करके पार्क कर देना चाहिए। बाकी जितना भी सीन था ना यहाँ जो वेयर हाउस बुक कराना था वो हमने ऑनलाइन तो बुक करवा दिया है, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं होने वाली। तो चलो इसको मैं यहाँ पर करता हूँ सीधा पार्क। अब उतरते हैं सीधा अपने जेट से। अरे यार मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट जेट है यार। मेरे को लग रहा था कि इतना कुछ खास नहीं होने वाला लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा स्पेशल जेट है। अब बस मेरे को क्या काम करना है, वेट करना है ड्राइवर का और वो आते ही होगा। और ये आ गया क्या, ओ भाई ये अपने बॉडी गार्ड के साथ यहाँ पर पहुँच चुका है, बहुत ज़्यादा सही। बाकी ये देख रहे हो ये जो रोल्स रॉयस है ये अमेंडा की थी, ये पूरी सही हो चुकी है। मतलब जितना भी घर पर सामान था ना अपने मेलूबी में, ड्राइवर कह रहा है कि वो सारा का सारा सही हो गया है। अब मेरे को ना इसको लेकर के यहाँ से जाना होगा। और चलो बैठ जा यार ड्राइवर, और चलो यार अपना बॉडीगार्ड अपने साथ है तो ड्राइवर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। अब हम लोग चलते हैं इधर से भगा करके सीधा मेलूबी मेंशन पर और वहाँ चल करके ना मैं देखता हूँ जितनी भी अपनी गाड़ियाँ थी कितना अपना बेकार सीन कर दिया था ना अंकित और उसकी टीम ने, और अब वो सारा का सारा सही हुआ या तो नहीं हुआ। ड्राइवर तो कह रहा है कि भाई वो सब कुछ सही कर दिया है, कुछ पता नहीं चल रहा है, गाड़ियों पे सिंगल स्क्रैच भी था, वो तो यार जा करके ही पता चलेगा। तो खोलो यार इसको। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना अपनी गाड़ी को भगा करके सीधा मैं चलता हूँ सीधा मेलूबी मेंशन पर। तो देखो यार इस टाइम पर हम लोग ना अमेंडा की रोल्स रॉयस को भगा करके अपने प्यारे मेलूबी मेंशन के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं। अब ये देखना होगा कि वहां पर इन्होंने सब कुछ सही कर दिया है, जितनी भी अपनी गाड़ियां थी वो स्क्रैचलेस हो गई हैं या तो नहीं हुई हैं। ड्राइवर तो कह रहा है यार कि हो चुका है सब कुछ। तो चलो मैं इस टाइम पर चलता हूँ सीधा अंदर की साइड। और बाकी ना यार आप लोग भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हो कि मैं और सिक्योरिटी बढ़ाऊं। अपने पास ना टोटल 8 सिक्योरिटी मेंबर हैं और आपको पता है अपना जो एक आठवां बंदा था ना वो मारा गया था। और ये देख रहे हो यार सिक्योरिटी तो मैं बढ़ाऊंगा, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक बार यहाँ पर नज़र मारो, अबे पता ही नहीं चल रहा है कि इनको किसी ने डिस्ट्रॉय भी करा था। ये देखो आपको पता होगा जो अपनी पुलिस वाली टायर्स होती ये भी टूट चुकी थी बहुत ज़्यादा बुरी, लेकिन बिल्कुल भी ना पता ही नहीं चल रहा कि कुछ हुआ भी था। और ये डिफेंडर का दरवाज़ा अलग हो गया था लेकिन
सब कुछ सही है और ट्रेवर कह रहा है कि अभी उसके पेमेंट रहती है, अभी हम लोग उसको देने भी चलेंगे। अबे यार वो मतलब बंदे थोड़ा सा पैसा लेकर के सारा काम करके जा चुके हैं, तो चलो बाकी ये तो हो ही गई थी रिपेयर, बाकी ये देख रहे हो ये मेबैक है और सामने की साइड वाली मेबैक है, दोनों की दोनों अमेजिंग लग रही हैं, सब कुछ यार बढ़िया कर दिया है। और अंदर की साइड भी चेक करना चाहिए अपने को जा करके, क्योंकि घर वगैरह भी तोड़ करके वो लोग गए थे ना। बाकी यार एक चीज़ बताना मेरे को कमेंट सेशन में, जगह कम नहीं पड़ रही है मेलूबी में? मतलब है तो अपना मेलूबी मेन, अब मैं सोच रहा हूँ कि वही पार्किंग ले ले अलग, या तो एक आधा और मेंशन ले, लेकिन देखेंगे अभी अभी कुछ भी नहीं करेंगे। आप लोग कमेंट्स में बताना कि अपने को क्या करना चाहिए। तो चलो अब जल्दी से ना हम लोग एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं अंदर की साइड और अपना जो बॉडीगार्ड है अपने साथ चल रहा है। और ये देखो यार ये सारी की सारी जगह टूट फूट चुकी थी, ये सारी रिपेयर है और यहाँ पर भी ड्राइवर कह रहा कि सब कुछ बढ़िया हो चुका है। यहाँ आपको याद है आग लगी हुई थी, वो भी सब कुछ सही हो चुका है। यार ये चीज़ सही है यार, जो भी वो वर्कर थे ना उन्होंने इतना ज़्यादा बढ़िया काम करा है। और कुछ वर्कर मैंने ना बुलाए थे गाड़ी रिपेयर करने के लिए, वो सब कुछ करके जा चुके हैं। और ये देखो यार सब कुछ बढ़िया तरीके से हो चुका है। लेकिन एक मिनट यार, मेरे को ये शेक कॉल क्यों कर रहा है? सबसे पहले मैं इसका कॉल उठाता हूँ। यार मेरी ना गाइस इस टाइम पर दुबई के शेक से बात हो गई है। दुबई के शेक ने अपने को ना दो काम दिए हैं, एक काम है कि मैं उसको मिलने के लिए जाऊं और उसको ना कुछ मिलिट्री के रिलेटेड काम है वो मेरे को करना होगा, और जो सेकंड काम है मैं अपने किसी फ्रेंड को भेजूं, उसका ना गोल्ड फंस गया, लॉस एंटोस की कोई ट्रेन थी जिसमें उसका ना दुबई से गोल्ड आ रहा था, उसको ना किसी लुटेरे ने ना लूटने की ट्राई करी, पता नहीं भाई कोई गैंग थी, तो उन्होंने क्या काम करा पहले ट्रेन का एक्सीडेंट करवा दिया, और उसके बाद इतना ज़्यादा गोल्ड उधर गिर चुका है ना रेलवे ट्रैक पर। तो शेख के कुछ बंदे पहुंचे लेकिन वो लोग न्यू हैं, तो एक काम कह रहा है शेख तो अपने किसी भी फ्रेंड को भेज यार, तो एक काम कर माइकल तू वहां से ना अपने फ्रेंड को भेज करके सारा का सारा गोल्ड उधर से उठवा ले, अगर वहां पर रेड पड़ी पुलिस की ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी तगड़े वाली। तो मेरे को यार निकलना चाहिए, तो मैंने ना ट्रेवर को ये काम बोल दिया है कि ट्रेवर तो गोल्ड का काम संभाल ले, मेरे को मिलिट्री का काम संभालना पड़ेगा। तो चलो यार, ट्रेवर तो कह रहा कि हाँ मैं ना किसी काम की ही तलाश में था और आज ये बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, तो ये कह रहा है कि ये काम करेगा भाई अभी के अभी जा करके करेगा। तो मैं काम करता हूं यार, कौन सी गाड़ी लेकर के जाऊं? डिफेंडर में बैठ करके चलता हूं, ट्रेवर बिना कोई और गाड़ी ले जाएगा इधर से। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना मैं डिफेंडर को लेकर के आगे की साइड और देखो भाई दोनों काम शेक के हैं और अपने को ना बहुत ज्यादा आराम से करने पड़ेंगे। एक तो ना मैं ड्राइवर को समझा दूंगा काम, बाकी ड्राइवर भी आ चुका है गाड़ी लेकर के। तो चलो गाइस अब जल्दी से हम लोग यहाँ से ना निकलते हैं, मैं तो राइट में जाने वाला हूँ और ड्राइवर अपना लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि ना गाइस उसको कहीं और जाना है, मेरे को शेख से मिलने के लिए जाना है, लेकिन काम दोनों शेख के हैं। तो भगाते अपनी गाड़ी को, चलता हूँ मैं सीधा उससे मिलने के लिए। देखो गाइस इस टाइम पर ना मैं अपने डिफेंडर को भगा करके पहुंच गया हूँ एक लोकेशन पर, जो कि मेरे को शेख ने मेरे मोबाइल पर सेंड करी थी, और शेख ने ना कहा था कि इस लोकेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो माइकल फिर देख ले तेरे को मैं जिंदा बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला। और तभी उसने ना मेरे को अकेले में बुलाया मिलने के लिए और मैं पहुंच चुका हूं। और ये देख रहे हो मेरे को कुछ ना वेपन्स और व्हीकल्स नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर आकर के ना मैं अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ। और शेख ने बोला था कि तेरे को कुछ टैंक्स और गाड़ियाँ वगैरह दिख जाएंगी, बस वहाँ से ना सीधा आते रहना। अब मेरे को ना गाइस थोड़ी सी घबराहट हो रही है, क्योंकि जिस हिसाब से शेख ने बात करी है ना कि बिल्कुल अकेले आना और तेरे को किसी के साथ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल अकेले आया हूँ और मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ पर है। लेकिन एक मिनट, ये देख रहे हो ये गाड़ी है शेख की सिक्योरिटी, और सेंटर में शेख है ना, तो एक काम करता हूँ यार मैं जल्दी से ना उस तक पहुँचता हूँ। और ये जो लोकेशन है ये मेरे को ना कोई एक बंकर लग रहा है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। देख रहे हो पीछे की साइड एक रेड कलर का डोर है, आपको क्या लग रहा है यार जरूर से ना कमेंट्स वगैरह करके बताना। और ये क्या सीन चल रहा है इधर, एक बंदे को पकड़ रखा शेख ने और अपने ही सिक्योरिटी वाले को पीट रहा है यार शेख तो, वो भाई पूरा पागल हो चुका है यार शेख, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। अब मेरे को तो नहीं मारेगा ना, एक मिनट नहीं 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 इससे ना मैं बातचीत करने की पूरी फुल ट्राई करता हूँ। देखो बंदा ना इस टाइम पर मेरे से भी ज़्यादा डेंजर है ये, और ये बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है। अबे क्या हो गया यार शेख तेरे को, इसने ना देख रहे हो अपनी सिक्योरिटी को पीट रखा इधर, और यहाँ पर एक बंदे के ऊपर खड़ा हुआ है। इससे ना मैं बातचीत करता हूँ, और पहली बार ये बंदा मेरे को परेशान लग रहा है, इससे पूछता हूँ सब कुछ। देखो गाइस शेख कह रहा है कि ये एक इसका बंकर है, ठीक है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और यहाँ पर जाने की ना बस परमिशन इसके वीआईपी बंदों को है और शेख को है। इस
टूर के पीछे कोई नहीं जा सकता, पता नहीं भाई इस टूर के पीछे क्या है। लेकिन वो सब छोड़ो, शेख ने ना सबसे पहले तो अपने को वही काम बोला कि जो तेरा फ्रेंड है, जो कि मेरा ट्रैवर गया है ना फ्रेंड, तो वो बस गोल्ड लेकर के इस तक पहुँचे, उसको ना यहाँ पर ही इसने स्टोर करना है इस बंकर में, और उस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और मेरे को इस टाइम पर जाना गाइस मिलिट्री बेस के एक सीक्रेट से टूर से अंदर, क्योंकि ना मिलिट्री के पास ना शेख की कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो शेख कह रहा है कि ना वो इन्फॉर्मेशन दिक्कत दे सकती है, क्योंकि आप सबको पता है शेख ना सारी दुनिया के सामने मरा हुआ है, लेकिन मिलिट्री के कर्नल के पास इसकी एक इन्फॉर्मेशन है कि ये जिंदा है। पता नहीं यार क्या वॉइस रिकॉर्डिंग है एक डिवाइस के अंदर। तो शेख कह रहा है कि माइकल जैसे तैसे तो एक काम कर, मेरे को ना वो डिवाइस ला करके दे मिलिट्री बेस का, ना इसने मेरे को सारा रास्ता बता दिया है। तो उसके लिए कह रहा है कि तू उस टैंक का इस्तेमाल कर जो कि मैंने तेरे को दिया था। तो ठीक है गाइस, मैंने ना फ्रैंकलिन वगैरह को कॉल कर दिया है, फ्रैंकलिन ना मेरे तक वो टैंक लेकर के आ जाएगा, और हमें ना उस टैंक को लेकर के जाना सीधा मिलिट्री बेस में, और अपने को ना कोई मेन एंट्रेंस से नहीं जाना, एग्जिट से नहीं जाना। शेख ने ना अपने को एक न्यू रास्ता बताया मिलिट्री बेस का, जो एक बहुत ज्यादा सीक्रेट रास्ता है। मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो कौन सा डोर होने वाला, लेकिन डेंजर काम है यार, मेरे को मास्क वगैरह लगा करके जाना है, और यार वहां से ना वो डिवाइस चुरा करके लाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने ना डिफेंडर को इस वाली लोकेशन पर आकर के मैं पार्क कर देता हूँ। अब यार एक दो घंटा तो मेरे को लगेगा ये काम करने में। अब तब तक ना फ्रैंकलिन यहाँ पर अपना जो भी शैनबॉक कौन सा टैंक था यार, वो बहुत ज़्यादा तगड़ा, जो आपने कमेंट्स वगैरह कर रखे थे, वो लेकर के मेरे तक आ जाएगा। तो मैं जल्दी से ना फ्रैंकलिन को कॉल करता हूँ, और डेंजर काम है भाई बहुत ज़्यादा। अब देखो गाइस यार, जो मेरा गेम है इस टाइम पर ट्रैवर पर स्विच हो चुका है, और ये देखो जहाँ पर अपने को शेख ने बोला था ना ट्रैवर, वहाँ पर तो पहुँच गया है, और ट्रैवर के हाथ में एक स्नाइपर है, और यहाँ पर एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, जिसको माइकल को बताया गया था कि अपने फ्रेंड को भेजना है, और ट्रैवर यहाँ पर ना पूरी की पूरी मदद करने में लगा हुआ है। और ये देख रहे हो गाइस बहुत ज़्यादा गैंग वाले हैं, और इनका तो ध्यान ट्रैवर के ऊपर बिल्कुल भी पड़ ही नहीं रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं इस टाइम पर ना, ट्रैवर के पास कौन से वेपन है भाई, यार इसके पास तो बहुत ज़्यादा तगड़ी तगड़ी मशीन गन्स हैं। तो यहाँ पर कुछ शेख के बंदे हैं, और सामने की साइड एनिमी है, तो एक काम करेगा ट्रैवर है भाई, तो एक काम करूँगा मैं यहाँ पर ना ये वाला एक ग्रेनेड लॉन्चर लेकर के ना फायर करता हूँ, और धमाका हो गया बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला। ये पीछे से कहाँ से आ गया है, और ये देख रहे हो ट्रैवर लेकर के भाई, ये चीज़ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और एक मिनट, कहाँ को इसने टारगेट कर लिया यार, अरे भाई एक मिनट अब रुको यार, अब मेरे को ना आगे की साइड जाना ही होगा जंग के मैदान में। और ट्रैवर यार बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, आप सबको पता ही है। पीछे के साइड से ना कुछ बंदों की आवाज़ आ रही है, लेकिन उनको इग्नोर करके चलते हैं सीधा आगे की साइड। और ट्रैवर इस टाइम पर शेख के लिए काम कर रहा है, और ये देख रहे हो यार कितनी ज़्यादा तबाही हो चुकी है। लेकिन एक मिनट, पीछे की साइड, ओपे यार ये पुलिस वाले कहाँ से आ रहे हैं, अरे नहीं यार ये लोग ट्रैवर को तो क्या ही पहचानेंगे, अगर मैं माइकल होता तो दिक्कत होती। और एक बार इनको बोल देता हूँ मैं कि मेरे को ना शेख ने भेजा तुम्हारे बॉस ने, और ये रहा बंदा, अरे नहीं 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 एम मत कर मेरे को शेख ने भेजा भाई, पहले फाइट करते हैं बाद में जो भी करना वो करेंगे। सबसे पहले यार जितने भी पुलिस वाले बंदे हैं ना इनकी गेम बजानी पड़ेगी, और कुछ ना बंदे ऊपर के साइड हैं, देख रहे हो वहाँ से फायर का साउंड आ रहा है, एक तो धुआं बहुत ज़्यादा है ना, और ये देखो भाई कितना ज़्यादा गोल्ड गिरा हुआ है रास्ते के अंदर, पूरी की पूरी ट्रेन पलट चुकी है, तो गोल्ड गिर गया। तो एक काम करते हैं, ये देखो LSPD का एक हेलीकॉप्टर है, और अब ये स्क्रैप में बदल चुका है। ठीक है, और कोई है क्या, कुछ बंदे मेरे को लग रहा है ना ऊपर की साइड है, तो हमें क्या काम करना है, अपनी ना पहले गाड़ी को सेफ लगाना होगा। चलो भाई इधर से, ड्राइवर है भाई बजूका से तो नीचे बात ही नहीं कर लेंगे हम लोग। ये देखो एक पूरी बजा दी है, तो अब हम लोग एक काम करते हैं सीधा चलते हैं ऊपर की साइड, और ऊपर जाने के बाद ना एक काम करने वाले हैं हम लोग, अपनी जो मेबैक है उसमें बैठ करके पहले उसको ना सेफ जगह पर लगाते हैं, उसके बाद जो ट्रक है, अशेक के बॉडीगार्ड ने बोल दिया कि ट्रक को ले जा करके हमें यहाँ से उसके बंकर में जाना है, आपको याद होगा जहाँ पर माइकल को शेख ने मिलने के लिए बुलाया था। तो सबसे पहले ना ये जो मेबैक है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना, अरे नहीं 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 ड्राइवर थोड़ा आराम से यार, इसको हम लोग ना इधर पार्क कर देते हैं। ठीक है सर, किसी ना किसी को ऐसा लगे कि गाड़ी ख़राब हो चुकी है, फ्यूल वगैरह का कोई चक्कर होगा, तो अब चलते हैं हम लोग सीधा आगे की साइड। कुछ पुलिस वाले हैं ना, कहाँ पर है, ये देखो एक आधा था उसको तो बजाया है, अब मैं चलता हूँ सीधा आगे की साइड। ये देखो यार ड्राइवर के हाथ में इस टाइम पर मशीन गन आ चुकी है, और जितने भी पुलिस वाले हैं ना, और वो देखो कुछ गैंग के बंदे हैं, पुलिस छोड़ो कुछ गैंग वाले इधर पता नहीं क्या कर रहे हैं।
इनकी आवाज वगैरह तो आ रही है। और ये देखो शेख का बॉडीगार्ड मर गया भाई एक। रुको यार मेरे को ना ये दो ट्रक्स निकालने हैं जैसे तैसे, जिस काम के लिए बोला गया माइकल ने इसको। रुको अब जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। और कुछ बंदे हैं क्या? बहुत ज़्यादा बंदे हैं यार पीछे की साइड तो। रुको यार ये रहा। ओके भाई मैं अब तो इसको ही उड़ा देता। नहीं 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 मैं तेरे को नहीं मार रहा। ये देख लो पीछे की साइड एक बंदा है ना, कहाँ गया यार दिखाई नहीं दे रहा। अबे पुलिस वाले भी हैं यार, एक तो पुलिस और गैंग मिक्स होकर के मार रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? पता नहीं। ये देखो चल इधर से, इसके पड़ा एक। नहीं 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 अरे यार ये बंदूका कौन चलाने लग चुका है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और इस टाइम पर वो देखो ट्रक में बैठ चुका है एक बंदा। मेरे को भी ट्रक में बैठना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी चलता हूँ ट्रक के अंदर बैठता हूँ और ट्रक को ले जा करके हमें यहाँ से सेफ लोकेशन पर निकलना होगा। इस ट्रक के अंदर पूरा का पूरा गोल्ड भरा हुआ है, तो चलो मैं तो बैठ चुका हूँ। और इसके अंदर कोई मिसाइल है क्या लगी हुई? ओ भाई ये ट्रक तो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली मिसाइल्स वगैरह ब्लास्ट कर रहा है। रुको 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 एक मिनट, ये गाड़ी जा रही है ना। ओ भाई एक पुलिस वाला गया, दूसरा गया, और सामने की साइड अपना एक ट्रक है शेख का। अबे चल भाई धक्का मारूंगा तेरे को मैं। इसको ना थोड़ा बहुत पुश करते हैं जिस करके इसकी स्पीड बढ़ने वाली है। तो चलो जितने भी बंदे आ रहे हैं अपने को ना शेख के बॉडीगार्ड ने बोल दिया कि तेरे को किसी को भी नहीं छोड़ना है, सबको खत्म करते जाएंगे। अपने पास ये तगड़े वाले ट्रक्स हैं। अरे यार ठीक है भाई, तगड़े ट्रक्स तो अपने हाथ में लग चुके हैं। और एक बंदा पीछे से आ रहा है, उसको भी हमने भजा दिया है। और सामने की साइड भी दो तीन गाड़ियाँ आ रही है पुलिस वालों की। और क्या धमाका मार दिया भाई, मज़ा आ रहा है मार करके इन सबको। रुको एक और गाड़ी आ रही है। नहीं यार नॉर्मल बंदों को नहीं पीटना है, मेरे को लगा पुलिस की गाड़ी है लेकिन वो पुलिस की नहीं थी। ठीक है जितने भी बंदे थे वो सब तो हमने ख़त्म कर दिए हैं। और एक आधी और गाड़ी है ना सामने। नहीं 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 मैं इसको कवर में रखूँगा बंदे को, सामने वाले को फाइट ट्रैवल करेगा। चलो बजा। अबे हट जा यार, एक तो छोटी सी गाड़ी है, ट्रक इतना खतरनाक है, पता नहीं रास्ता ब्लॉक कर रहा लेकिन एम ना नीचे तक नहीं बैठ पा रहा है। और अब ये ख़त्म होगा। अरे यार बच गया एक मिनट एक मिनट। अरे सामने वाले ने उड़ा दिया। ठीक है और ये बंदे हैं ना हेलीकॉप्टर तो भाई चुटकियों में ब्लास्ट होने वाले हैं, मैं बोल रहा हूँ। और चलो इधर से दो दो हेलीकॉप्टर तो मैंने ब्लास्ट कर दिए हैं। अब सामने की साइड वो वॉकी टॉकी पर लगा हुआ है शेख का बॉडीगार्ड, कह रहा आई नीड अ बैकअप। तो हम लोग इसके पीछे पीछे ही हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अरे रुक जा भाई, अब सही है। अपने को जस्ट यार इधर से भगाना होगा, पुलिस से एस्केप कराना होगा और उसके बाद हमें ना इससे ट्रक को ले जाना होगा सीधा उस बंकर पर। तो चलो यार मैं आगे की साइड रहता हूँ। और अरे हट जाओ यार, पुलिस वालों को अलग ही ड्यूटी निभानी है अपनी, पता नहीं भाई पिट रहे हैं इतने खतरनाक ट्रक के सामने, टिक भी नहीं पाएंगे तब भी पता नहीं क्या करना है इनको। चलो इधर से, अबे हटोगे क्या कर रहे हो भाई, चलो मार देने। और ये ना स्पीड स्लो करने की पूरी फुल ट्राई कर रहे हैं लेकिन इतना भी आसान नहीं है यार, जो दोनों ट्रक हैं बुलेट प्रूफ ट्रक हैं। चलो इधर से इसको भी ब्लास्ट करा। और एक गाड़ी और आ रही है, बहुत ज़्यादा भाई बहुत ज़्यादा तबाही मचा दिया इस टाइम पर तो हमने। ठीक है बस अपने को ना यहाँ से कोई सेफ सी लोकेशन पर जाना। और इसको देख लो, ये सोच रहा है कि ये अकेला हेलीकॉप्टर वाला बंदा हमें रोक लेगा। रोकेगा तो क्या, हमने उसको ठोक ही दिया। और स्वैट टीम आ गई है भाई, स्वैट टीम वाले देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा डेंजर है। तुम्हें पता है एक स्वैट टीम पर चार चार गाड़ियों वाले बंदे आते हैं यार, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस अपने को ना उस बंदे को फॉलो करना है सामने जो जा रहा है। अब हट ना इधर से, क्या कर रहा है पता नहीं भाई, क्या ही कर जा रहे हैं। अब अपने को ना अपने ट्रक्स को लेकर के सीधा चलना होगा आगे की साइड। तो देखो गाइस इस टाइम पर जो मेरा गेम है ना वो माइकल पर स्विच हो चुका है। आपने देखा ट्रेवर ने क्या तबाही मचाई, वो ट्रक लेकर के एस्केप हो गया और शायद से अब वो रास्ते में होगा शेख को देने के लिए वो ट्रक। और देखो फाइनली इस टाइम पर फ्रैंकलिन आ गया था मेरी लोकेशन पर और ये जो बुलेट प्रूफ अपना ट्रक है इसको हम लोग लेकर के आ गए हैं। और अब अपने को जाना है सीधा उस मिलिट्री बेस में, जो भी शेख का वो डिवाइस है उसको हमें लेकर के आना है चुरा करके। अब वहाँ पर शायद से मिलिट्री का कर्नल भी हो सकता है, पूरी की पूरी मिलिट्री तो होगी भाई, तो देखा जाएगा दिक्कत किस चीज़ की आ रही है, सीधा उनको बजाएंगे प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट नहीं जाऊँगा वहाँ पर, ना चेक वगैरह करता हुआ जाऊँगा। और अपने को ना मेन एंट्रेंस से जाना है ना एग्जिट से जाना है, अपने को बिल्कुल सेंटर से जाना है। अब पता नहीं यार वो रास्ता कौन सा है लेकिन अपने को ना शेख ने वो रास्ता बताया। तो चलो भाई अब जल्दी से ना अपने इस वाले में ट्रक को लेकर के पीछे वाले रास्ते से चलता हूँ और यहाँ से अपने को ना डायरेक्ट सीधा आगे जाना होगा। वो रहा मिलिट्री बेस, बस इनका ना कोई जेट मेरे ऊपर नज़र ना रख ले नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़े वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक मिनट ये सामने की साइड क्या देख रहा हूँ मैं, एक टूटा हुआ जेट मेरे को नज़र आ रहा है जो कि एक मिलिट्री का है। अबे ये कब इधर आया मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता।
आपने इसको पहले देखा कि नहीं, जूस से कमेंट्स वगैरह करके बताना। मेरे को लग रहा है ना गाइस ये कल क्रैश हुआ है या तो हफ्ते हफ्ते हो गए होंगे क्रैश हुए को। एक बार उतर के देखूंगा। आ जा यार फ्रैंकलिन, मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक बार ना चेक वगैरह कर ही लेते हैं। हाथ में अपने हाईटेक वेपन रखूंगा क्योंकि मिलिट्री का है यार ये एरिया। रॉन्ग लिखा हुआ है और नीचे एक स्कल है। ये क्रैश हो चुका है, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है किस टाइम पर क्रैश हुआ है। पता नहीं भाई, जो भी हुआ लेकिन गलत ही हुआ है। और यहाँ से ना हम लोग देख सकते हैं भाई आगे की साइड। एक बार मैं टॉप पर चलता हूँ और वहाँ से ना थोड़ा अपना मोबाइल निकाल करके जूम करने की ट्राई करता हूँ। जिस एरिया पर मेरे को जाना है ना वो बिल्कुल उस साइड को है। तो देखो इस टाइम पर मैं अपने मोबाइल से जूम तो कर रहा हूँ, अपने को डायरेक्ट उस माउंटेन पर जाना है जो सेंटर में है। चल यार फ्रैंकलिन बहुत हुआ, अब ना अपने काम को अंजाम देते हैं और अपना काम पूरा कंप्लीट करते हैं। और यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट कूद जाऊँ पानी के बीच में, ठीक है पानी में तो मैं कूद चुका हूँ। अबे उठ जा यार माइकल। अरे फ्रैंकलिन तू भी गिर गया भाई, उधर तो पानी नहीं था जहाँ फ्रैंकलिन गिरा। ठीक है अब जल्दी से ना हम लोग बैठते हैं ट्रक के अंदर और इस ट्रक को भगा करके लेकर के चलते हैं सीधा उस एरिया के क्लोज। अब देखा जाएगा भाई, मिलिट्री में जाना काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन क्या कर सकते हैं। अब फ्रैंकलिन अपने साथ है तो मैं हूँ, तो डरने की क्या ही बात है। तो भगाते हैं अपने ट्रक को सीधा और चलते हैं थोड़ा आगे की साइड। मैं ना जा करके थोड़ा बहुत डायरेक्ट रश नहीं करूँगा, पहले चेकिंग वगैरह करूँगा। तो ठीक है भगाता हूँ, इस पानी को पार करते हैं। और क्या खतरनाक है यार ये, कुछ भी बोलो भाई पूरा फुली बुलेट प्रूफ है, मिसाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, स्पीड में भी ठीक ठाक है। तो पानी को भी चीरता हुआ जा रहा है। तो चलो यार फाइनली मैं पहुंच तो गया हूँ क्लोज। और एक काम करते हैं फ्रैंकलिन, मैं इधर ही रोक लूँगा ट्रक को, तू मिसाइल वगैरह निकाल के रख लूँ ठीक है। मैं ट्रक को ना यहाँ पर रोक लेता हूँ और इस टाइम पर ना फ्रैंकलिन ने मिसाइल्स वगैरह निकाल लिए हैं तो अपने को ना थोड़ा बहुत नज़र वगैरह रखनी पड़ेगी। तो देखो गाइस इस टाइम पर ये जो टैंक है इसको मैं फ्रैंकलिन के साथ लेकर के इस लोकेशन पर आ गया हूँ। और देखो अगर मैं डायरेक्ट रश करूँगा ना इस एरिया पर तो समझ रहे हो यहाँ पर एक मिलिट्री का एरिया है, तो जितने भी मिलिट्री की सिक्योरिटी होगी सारी की सारी मेरे ऊपर हमला कर देगी। तो मेरे को फ्रैंकलिन ने एक आइडिया दिया है, मैं अटैक करने की बजाय इनके कपड़े वगैरह चुरा करके, मतलब अपने कपड़े चेंज करके सीधा इस एरिया में जा करके देखूं कि वो जो शेक का डिवाइस है वो कहाँ पर है, तो बहुत ज़्यादा साइलेंट वाले तरीके से काम हो जाएगा और ज़्यादा ना किसी को शक भी नहीं होगा। जिसका होगा हम लोग उसकी गेम बजा देंगे। तो फिलहाल इस टाइम पर ना मेरे को ना सामने की साइड कुछ एक जगह दिख रही है और वहाँ पर ना अभी मैंने एक बंदे देखे थे। अब मेरे को ना जल्दी से चल लेना चाहिए और डरने की कोई भी बात नहीं है गाइस, अपने हाथ में हाईटेक वेपन है। और एक मिनट यार देख रहे हो सामने की साइड तीन तीन मिलिट्री के बंदे हैं यार मेरे। और नहीं 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 दो बंदे इधर हैं। ओ भाई नो शुक्र करो मेरे को नहीं देखा है। रुको मेरे को ना यहाँ पर आना चाहिए। और वो देखो दो बंदे उधर की साइड हैं और एक वो जा रहा है सामने की साइड। तो मेरे को ना जैसे जैसे चलना चाहिए, लेकिन वो जो सीक्रेट सा डोर है वो कहाँ पर हो सकता है यार, मेरे को वो चीज़ नहीं समझ आ रही है। कुछ वर्कर्स मेरे को नज़र आ रहे हैं, मिलिट्री के बंदे नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई गेट मेरे को नज़र नहीं आ रहा है जिस गेट से मेरे को जाना है अंदर की साइड। ठीक है मैं बिल्कुल यहाँ पर आ गया हूँ और एक बंदा है यार सामने जो इधर उधर ना पहरेदारी कर रहा है। मेरे को एक काम करना चाहिए, रुको मैं ना चुपचाप से ना इसे झाड़ियों के बीच में आता हूँ और अपने हाथ में ना ये हाईटेक वेपन निकालता हूँ। तीन बंदे सामने हैं, अगर मैं तीनों को मारूंगा तो दिक्कत हो नहीं जाएगी, वैसे तीनों को ही मारना पड़ेगा यार समझ रहे हो, क्योंकि ना बाहर के साइड कोई भी नहीं है और गेट मेरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि कहाँ पर है। जितने भी बंदे खड़े हैं मैं तो सोच रहा हूँ कि पहले इनको मार देता हूँ। रुको 3 2 1 ठीक है मैंने इनको मार दिया और गन मेरी बहुत ज़्यादा साइलेंट है जिस करके किसी को समझ भी नहीं आया हुआ कि क्या हो गया है। अब कुछ बंदे ना ऊपर की साइड थे, इन्होंने देखा तो नहीं, अबे उन्हें पता ही नहीं है, वो काम में इतने ज़्यादा बिजी हो रखे हैं। चलो यार मैंने ना इतने ज़्यादा बंदे मार दिए हैं और मेरे को एक काम कर लेना चाहिए, सबसे पहले इनके डेड बॉडी को ठिकाने लगाना चाहिए और इनके जो कपड़े हैं वो मैं जल्दी से डाल लेता हूँ इसके। ओरे भाई ब्लास्ट वगैरह हो रहा है, जल्दी जल्दी मेरे को एक काम करना होगा, कपड़े वगैरह उठाता हूँ इनके। ओके तो गाइस इस टाइम पर ना मैंने कपड़े वगैरह तो चेंज कर लिए हैं और यहाँ पर देखो ये कुछ वर्कर्स थे जिनकी डेड बॉडी को मैं उठा करके इधर लेकर के आ गया हूँ। बाकी ना मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को कहाँ पर जाना चाहिए और इन बंदों की ना गन वगैरह भी मैंने उठा ली है। और कुछ वर्कर यार ऊपर की साइड थे जिनको मैंने मारा है लेकिन उनकी जो डेड बॉडी है ना बिल्कुल वहीं पर है और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई जाना कहाँ पर है। बिल्कुल ना अपने को शेख ने बोला था कि अपने को मेन एंट्री से नहीं जाना है, यहाँ से नहीं जाना, अपने को सेंटर में से जाना है। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना ये एरिया पूरा सेंटर वाला रास्ता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है।
अब इस मीटर को मैं तोड़ने वाला हूँ, लेकिन एक मिनट, ओ भाई एक मिनट भाई, मैं जा रहा था इस मीटर को तोड़ने के लिए कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बंद हो जाती तो कुछ मैं सोच सकता था, लेकिन अचानक से ये क्या हुआ यार, यहाँ पर डोर ओपन हो गया है और कुछ बंदे हैं सामने की साइड, बस ये मेरे को ना पहचान ना ले। राइट साइड में देख रहे हो दो लोग खड़े हुए हैं और ये एक टनल है यार, बहुत ज़्यादा खतरनाक सी। मिलिट्री के अंदर ये सब भी है क्या भाई, मेरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं था। यहाँ पर ना दो बंदे हैं मेरे को नज़र आ, लेकिन नहीं तीन बंदे हैं यार, यहाँ पर एक और है। मेरे को एक काम करना चाहिए, चुपचाप से ना ये बाइक उठाता हूँ और आगे की साइड चलता जाता हूँ। मेरे को लग रहा है ना गाइस, ये लोग ना इधर से ट्रैवल करने के लिए इस बाइक का यूज़ करते हैं, तो ठीक है मैं पूरा फुल रेडी हूँ इस टाइम पर, बाइक के ऊपर बैठ गया हूँ। बाकी ना मिलिट्री के कपड़े डाल लिए हैं तो इनको लग रहा है कि मैं भी एक मिलिट्री वाला बंदा हूँ। तो चलो अब जल्दी से ना मैं आगे की साइड अपनी बाइक को लेकर के चलता हूँ। और अरे अरे भाई, ये देख रहे हो यहाँ पर ना कुछ ये बनाने की ट्राई कर रहे हैं, बस इनको शक ना हो जाए। मिलिट्री वाले खड़े हैं, वर्कर्स वगैरह खड़े हुए हैं। तो चलो अपनी बाइक को ना सीधा भगा करके चलता हूँ मैं आगे की साइड। और मेरे को सही में अजीब सा तो लग रहा है, लेकिन देखा जाएगा जो भी होगा। मेरे को ना बस अपनी बाइक को सीधा भगा करके जाना है, और दो दो रास्ते आ रहे हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में। अब यार मैं लेफ्ट जाऊँ कि राइट जाऊँ, तो हम लोग क्या सोचते हैं हमेशा, कौन सा डिसीजन बनाते हैं, राइट? तो मैं चलने वाला हूँ सीधा राइट साइड में, और मेरे को ना कुछ फायरिंग वगैरह की आवाज़ आ रही है सामने की साइड से। तो चलो मैं आ गया हूँ सीधा आगे की साइड, और ये देख रहे हो ये एक टनल है जो चेंज हो चुकी है, और कुछ बंदे खड़े हैं मिलिट्री के सामने की साइड। भाई मैं क्या करूँ यार, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लग गया है मेरे को। तो मैं काम करता हूँ, अपनी ना बाइक को यहाँ पर पार्क कर देता हूँ। और अरे 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 यार, मैं घबरा रहा हूँ सही में, बाइक ही गिर गया मेरे से। कोई दिक्कत की बात नहीं, सबसे पहले ना मैं अपने इस हेलमेट को उतार करके साइड रखता हूँ, और इनको ना इतनी जल्दी समझ नहीं आने वाला कि मैं कौन हूँ। वैसे ये लोग तो मेरे को पहचानते नहीं होंगे, क्योंकि मैंने ना इस टाइम पर कपड़े वगैरह चेंज कर रखे हैं। और ये देख रहे हो क्या खतरनाक से वेपन है भाई, इधर पूरे के पूरे मिलिट्री बेस के नीचे ये क्या काम चल रहा है, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और यहाँ पर भी कुछ है आगे की साइड, इनका वेपन वाला रूम है क्या? मेरे को ना गाइस जल्दी से चलना, हाथ में गन रखता हूँ, ठीक है? इनको शक नहीं होगा, ये सोचेंगे कि मैं यहाँ पर पहरेदारी कर रहा हूँ। और नीचे की साइड में मिलिट्री बेस के, और भाई बहुत ज़्यादा सामान है यार इनका, तो इधर सारा का सारा मिलिट्री का सामान, मतलब ये लोग मिलिट्री बेस में नहीं रखते हैं, मिलिट्री के अंदर रखते हैं नीचे की साइड। अरे यार ये देखो कितने ज़्यादा वर्कर्स वगैरह यहाँ पर, वेपन्स वगैरह को पता नहीं क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं या तो एक एक वेपन को चेक कर रहे हैं, इतने ज़्यादा बंदे हैं। तो चलो मेरे को आगे की साइड चलना चाहिए, और एक गार्ड इधर है ना, तो मैं बस इसके साइड से यहाँ से निकलता हूँ आगे की साइड। और ये देखो भाई क्या नेक्स्ट लेवल टाइप बजूका मिसाइल्स हैं इधर, और ये बंदा ना एक एक की चेकिंग कर रहा है। ठीक है यार, बहुत ज़्यादा तगड़ा सीन है ये जो चीज़ है ना, मैंने पहली बार देखी है भाई मिलिट्री बेस इतना भी ज़्यादा तगड़ा हो सकता है। मैं तो भाई बेकार सा समझता था बेस को, हम लोग ऊपर जा कर के हमेशा तोड़ करके आए हैं बेस को, लेकिन ये अंडरग्राउंड इन्होंने इतना खतरनाक सामान रखा हुआ है। ओहो भाई, ये कुछ वर्कर्स बेचारे थक चुके हैं जो रेस्ट वगैरह कर रहे हैं। अब मैंने अगर अटैक करा होता ना गाइस उस शेनबोक को लेकर के बाहर से, फ्रैंकलिन भी मारा जाता, मैं भी मारा जाता। और इनके पास तो यार बहुत ज़्यादा तगड़ी लेवल की सिक्योरिटी है, और ये देखो ये बंदा उसको कुछ अपग्रेड वगैरह करने में लगा हुआ है। बस यार उससे ज़्यादा पंगे मैं नहीं लेने वाला, मेरे को ना आगे की साइड निकल लेना चाहिए। और यहाँ से ना एक रास्ता है, तो चलो यहाँ से राइट में एक रास्ता है। अरे नहीं यार ये तो क्लोज्ड है यार, ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग इधर से चलते हैं जहाँ से हम लोग आए थे। मतलब ये जो एरिया था ना ये सारा वेपन्स वाला एरिया है, और हमें ना जाना है थोड़ा आगे चेक करने के लिए। तो चलो, ओ भाई एक टैंक है इधर बुलेट प्रूफ पूरा, और मेरी बाइक इधर है यार। थोड़ा ना मैं आगे की साइड और जा करके चेक करता हूँ कि क्या है। और नहीं नहीं नहीं, नहीं ये कोई कर्नल है मिलिट्री का, मतलब यार मिलिट्री का कर्नल मेन वाला नहीं, उससे कोई छोटी पोस्ट पर होगा। और ये देखो कुछ वर्कर्स बेचारे थक करके बैठे हुए हैं, जो कि अभी शायद से सामान वगैरह लेकर के आए हैं, और ये बंदा रिपेयर करने में लगा हुआ है। और ये देखो यार ये लोग इस टाइम पर वेपन्स वगैरह बना रहे हैं, वे बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े बंदे हैं मिलिट्री के पास। तो ये देखो ये वेपन्स वगैरह बना रहे हैं, उसके हाथ में रेंच है, वो कुछ ना कुछ इन्वेंट कर रहे हैं। तो चलो मेरे को ना आगे की साइड चलना चाहिए, वैसे ना शक तो इनको बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा मेरे ऊपर, क्योंकि ना इतने ज़्यादा लोग इधर पहरेदारी कर रहे हैं, तो मैं भी एक तरह से मिलिट्री वाला ही हूँ, तो ये लोग तो क्या शक करेंगे मेरे ऊपर। और एक बंदा देख रहे हो सामने की साइड से आ रहा है, और ये कौन सी जगह है,
चल करके देख ही लेते हैं। मेरे को तो यार बहुत ज्यादा खतरनाक सा लग रहा है यार ये एरिया। और एक मिनट, ये नहीं, यहाँ पर नहीं आना चाहिए मेरे को। ये कोई जनरेटर था, ये लोग उसको देख रहे हो, रिपेयर करने में लगे हुए हैं। और ये कौन सी सिक्योरिटी है? ना ये स्वैट टीम है, ना ये मिलिट्री की टीम है, पता नहीं यार कौन सा बंदा है ये। रुको, वो उधर अपना स्मोकिंग करने लग चुका है, मैं ना आगे की साइड चलता हूँ पूरा। और इधर भी कुछ बंदे खड़े हुए हैं, हाथ में इनके ना यार नॉर्मल वेपन नहीं है, तगड़े वाले वेपन्स हैं। ठीक है, आगे की साइड आ गया हूँ मैं। और ये देखो, इस सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा था, ये ना कुछ अलग टाइप सिक्योरिटी है। ओ भाई, FIB के बंदे क्या कर रहे हैं इधर? पता नहीं यार कुछ भी कर रहे हैं इधर, कुछ भी चल रहा है यार। लेकिन जो चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ चल रही है। और ये देख रहे हो, यहाँ पर ना ट्रेनिंग चल रही है आर्मी वालों की। और भाई इनका कमांडर देख रहे हो जो सेंटर में खड़ा है, ये हैट वाला। ऐसे बंदे मैंने मिलिट्री में आज तक नहीं देखे हैं यार, पता नहीं क्या सीन चल रहा है। रुको, मेरे को ना यहाँ से निकल लेना चाहिए यार। इधर ना थोड़ा सा एरिया डेंजर लग रहा है मेरे को। नीचे की साइड भी कोई रास्ता जा रहा है, लेकिन वहाँ नहीं जाने वाला मैं यार, छोड़ो बस मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, एक बंदा आ गया है। आराम आराम से, आराम आराम से। चलो मैं ना अपनी बाइक पे बैठता हूँ, जो राइट साइड में रास्ता था, अब मेरे को ना उधर चलना चाहिए। यार बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है मेरे को सही में। भाग करके चलता हूँ, सीधा इसे बाइक के ऊपर बैठता हूँ आ करके। चलो यार, मैं बाइक पर तो बैठ गया हूँ, अब यहाँ से ना अपनी बाइक को भगा करके निकलते हैं सीधा राइट वाले एरिया में, और देखते हैं यार वहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन जो भी कर रहे हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली तूफानी कर रहे हैं। इतना सब तो मेरे को पता ही नहीं था कि ये भी मिलिट्री में होता है। तो चलो अब इस वाले एरिया पर चलता हूँ मैं। वैसे ना गाइस, मैं उस रास्ते को फॉलो करते करते ना एक अजीबोगरीब लोकेशन पर पहुँच गया हूँ, जो एक खतरनाक सी टनल है। और यहाँ पर ना मेरे को अपनी बाइक को पार्क कर देना चाहिए क्या? नहीं 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 यार, ये देख रहे हो राइट साइड में तो कुछ बंदे खड़े थे। मैं जस्ट ना यहाँ से अपनी बाइक को लेकर के इस लोकेशन पर आ गया हूँ, और यहाँ पर रुकता हूँ यार। अपने हाथ में गन है तो दिक्कत की कोई भी बात नहीं है। अब ये इतना ज़्यादा खतरनाक वाला एरिया है यार, मेरे को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। ये देख रहे हो, ये इनका कंट्रोल रूम है, मतलब FIB मिलिट्री वाले और स्वैट टीम की नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी है, सब मिलकर के काम कर रहे हैं यार। मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा ही होगा। और ये देखो, इनका जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये एक FIB वाला बंदा है जिसने पूरी की पूरी शील्ड डाली हुई है। अरे यार छोड़ो, मैं आगे की साइड चलता हूँ, और आगे चल करके देखते हैं कि अंदर की साइड क्या चीज़ चल रही है। और ये एक इनका ना मेन एरिया लग रहा है, जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बंदे हैं। और राइट साइड में कुछ है, एक रूम, उधर तो मैं जाने नहीं वाला। हम लोग ना चुपचाप से इस वाले टूर से अंदर की साइड चलते हैं, और मैं ना देखना चाहता हूँ कि इतना सब कुछ ये लोग क्या कर रहे हैं रख करके। शेख के लिए इतना सब कुछ तो नहीं हो सकता यार, कहीं शेख अपने से कुछ छुपा तो नहीं रहा? मेरे को तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। और ये डोर में नहीं जा सकते, डोर ही क्लोज है। वैसे ना सोचने वाली बात है, शेख का डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन एक मिनट यार, ये तो मिलिट्री का कर्नल है, वो देख रहे हो। मैं ना अपना मुंह इधर रखता हूँ, और वो देखो यार, इनकी तो मीटिंग चल रही है। एक साइंटिस्ट है, FIB वाला बंदा है, और मिलिट्री का कर्नल है, इधर की साइड ही देख रहा है। रुको, मैं ना ज़्यादा उससे नजरें नहीं मिलाने वाला, मैं चुपचाप से ना आगे की साइड चलता हूँ। और कुछ भी हो रहा है भाई इधर तो, रुको मेरे को आगे चल लेना चाहिए। और FIB वाले बंदे खड़े हैं ना, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं यार, वही मेरी समझ से परे है। मैं बिल्कुल इनके एक लैब में आ गया हूँ शायद से। देखा जाएगा, कुछ नहीं हो रहा यार, देखा जाएगा। अपने ऊपर भरोसा है मेरे को, मैं मार दूंगा सबको अगर ये लोग आए तो। बस इस स्टोर के अंदर मैं आ गया हूँ, और ये देखो यहाँ पर ना कुछ अलग टाइप सिक्योरिटी है, ब्लू कलर के कपड़े वगैरह डाले हुए हैं इन्होंने। यार ये तो कोई वायरस तो नहीं बना रहे हैं, पता नहीं। ये देखो कुछ ना कुछ इन्वेंशन वगैरह करने में लगे हुए हैं। छोड़ो भाई, मेरे को तो अब ये जगह ही अजीब सी लगने लग चुकी है। मैं चुपचाप से ना आगे की साइड चलते रहता हूँ, और ये देखता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं इस लोकेशन पर। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं? वो देख रहे हो आगे की साइड ना कुछ साइंटिस्ट हैं, और उसके वर्कर्स हैं। और ये क्या रखा है इन्होंने, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पर भी नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी है, रुको यार। और मैं चलता हूँ सीधा आगे की साइड। अरे भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक ही सीन है। और ये देखो, यहाँ पर अलग लेवल की सिक्योरिटी है, जिसने ब्लैक कलर के कपड़े डाले हैं। यहाँ पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? चल लेते हैं यार, देखा जाएगा। वैसे भी मैं मिलिट्री वाला हूँ तो दिक्कत नहीं होने वाली। अरे एक मिनट, ये क्या रखा है इन्होंने? मेरे को ना एलियन का सर लग रहा है वो। चल करके देखते हैं यार एक बार, पता नहीं यार अजीबो गरीब सा लग रहा है। वो देख रहे हो,
ये एलियन का सर है ना, देख रहे हो राइट साइड में नीचे इस टेबल, इस बेंच के ऊपर, पता नहीं टेबल कहते हैं क्या कहते हैं। अबे मेरे को इस जगह से डर लग रहा सही में, मैं निकलता हूँ इधर से। और ये देखो मैं उस वाले एरिया में आ गया हूँ, ये लोग ना कुछ तो वायरस बना रहे हैं यार। मन तो कर रहा ना सब कुछ ब्लास्ट कर दूं, लेकिन नहीं कर सकता यार, क्योंकि मेरे को ना इस जगह के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। शेख ने बस अपने को बोला है कि उसका डाटा वगैरह चुराने से मतलब रखना है अपने को, और वो रखना है मेरे को। और ये क्या, ये मेन गेट लिखा हुआ है ऊपर की साइड, और क्या कर रहे हैं ये लोग इधर। अबे यार ये क्या चीज है, अरे भाई ये पानी में क्या बना रखा है इन्होंने, ये सब कुछ मिलिट्री बेस के अंडरग्राउंड बनाया यार इन्होंने तो। और वो देखो कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं। बस भाई बहुत हो गया, मेरे को चलना चाहिए इधर उधर, तो देख करके मेरे को सब जगह ही डर लग रहा है। मैं काम करता हूँ बस, अपने को वो जो काम करना है ना शेख का, वो करते हैं फिर निकलते हैं। लिफ्ट है ऊपर की साइड, चल लिफ्ट है, हाँ हाँ भाई लिफ्ट है, चलो यार ऊपर की साइड चलता हूँ इसमें बैठ करके। ओके तो गाइस इस टाइम पर मैं लिफ्ट में बैठ करके ऊपर की साइड आ गया, ऊपर वाले फ्लोर पर। और ये एरिया अलग लग रहा है यार, रुको रुको रुको, यहाँ पर देख रहे हो ये बंदा सिक्योरिटी वाला साइंटिस्ट से बहस कर रहा है, और ये क्या चीज है इधर, ये देखो यार कुछ भी कर रहे हैं यार मिलिट्री वाले। मैं ना चल करके एक बार चेक करता हूँ अंदर की साइड कि क्या चल रहा है। ये लोग मेरे को मारेंगे तो नहीं, मेरे को लग रहा है अगर शक हुआ तो एक ही गन है मेरे पास, बजा दूंगा। और ये क्या तैयार कर रहे हैं, कौन सी वाली बाइक है ये यार, ये ना कुछ ब्लू प्रिंट्स हैं इधर, कुछ ना कुछ तो ये जेट छपा हुआ है, और ये हैं उसके पार्ट्स, और ये ना कुछ इन्वेंट कर रहे हैं। रॉकेट लगा बाइक के नीचे यार, ये कौन सी बाइक है मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। रुको रुको रुको, मेरे को ना आगे की साइड चल लेना चाहिए। और ये कुछ वेपन्स हैं, अरे यार मेरे को चक्कर आ जाएंगे इधर अगर मैं ज़्यादा देर तक रह गया। और ये वाले रूम में देखते हैं चल क्या रहा है, ये क्या है यार, ये भाई पता नहीं मेरे को क्या चीज़ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये लोग ना इसको चांद से लेकर के आए हैं। और ओ भाई ये हाईटेक वेपन्स नहीं है, एक बार नज़र मारो, ऐसे वेपन्स तो अपने पास पड़े हैं। ये देखो ग्रेविटी गन और ये रे मिनी गन जो हमने चुराई थी, मतलब यार ये लोग इसको बना रहे हैं इधर लैब के अंदर। ओ भाई यार अभी निकलना चाहिए मेरे को बाहर की साइड, बहुत ज़्यादा बेकार सा सीन कर रहे हैं। अगर इनके पास हाईटेक वेपन्स आ गए तो समझ रहे हो ये लोग पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। और मैं इस वाले रूम में आ गया हूँ, और ये क्या देख रहे हैं नीचे की साइड, रुको उससे पहले मेरे को यहाँ पर चेक करना चाहिए, ये कोई डेड बॉडी है। और क्या देख रहे हो यार तुम लोग इधर, और ओ भाई ये तो स्पेसशिप है ना, मतलब भाई स्पेसशिप बोल रहा हूँ मैं तो खुद पागल हो गया, UFO है भाई ये एलियंस का यार। मिलिट्री बेस के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, मतलब जो मिलिट्री के कर्नल ने अपने को बताया ही नहीं है, पता नहीं यार। इधर से निकलते हैं दूसरे वाले रूम में, और कर्नल आ गया लिफ्ट से शायद इधर है, अरे मेरे को निकलना चाहिए ठीक है। मैं ना यार देखना चाहता हूँ कि जो शेख का सामान है वो कहाँ पर है, और यहाँ से एक रास्ता जा रहा है नीचे की साइड, तो जल्दी से ना इस वाली स्टेयर से चलते हैं सीधा नीचे और ट्राई करते हैं उसके सामान को ढूंढने की। चलो मैं नीचे की साइड तो आ गया हूँ, और जल्दी से चलते हैं सीधा, जल्दी जल्दी ना चेक करते हैं सब कुछ। और ये देखो यार ये FIB वाले बंदे खड़े हैं ना, ये लोग कुछ बनाने में लगे हुए हैं, मतलब स्वैट टीम, FIB की टीम, मिलिट्री की टीम, और दो तीन अलग सिक्योरिटी जिन्होंने एक ब्लू कलर के कपड़े डाले हुए हैं, वो यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन मिल गया यार मेरे को लग रहा है सामान मेरे को, ये देखो ये एक कंट्रोल रूम है, और सारा का सारा डाटा इनका यहाँ पर स्टोर होता है शायद से, ये देख रहे हो यहाँ पर ना मेरे को शेक का डाटा पक्का मिल जाएगा, मैं तो 100% श्योर हूँ। और ये बंदा यहाँ से जा रहा है, और ये एक लैपटॉप पड़ा है, एक काम करता हूँ मैं ना शेक को फोटोज वगैरह सेंड करता हूँ जल्दी से खींच करके, उसको शक ना हो जाए। बाकी यहाँ से चलता हूँ मैं, और यहाँ पर ये बंदा ना चेकिंग वगैरह कर रहा है, और ये यहाँ पर ना कुछ सामान वगैरह पता नहीं क्या निकालने में लगा हुआ है। रुको करने दो भाई जो कर रहा है, मैं ना चुपचाप से ना सिक्योरिटी एक्टिंग कर रहा हूँ, बस यहाँ खड़ करके ना इधर उधर एम करके देखता हूँ, चेक वगैरह करने की ट्राई करता हूँ कि इनको ऐसा लगे कि मैं इनके साथ ही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, बस बहुत ज़्यादा एक्टिंग हो गई है। ये देख रहे हो यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर मैं इसको नॉक करूँ, नॉक करके क्या हो जाएगा, लेकिन ये कुछ कर रहा है ना, मेरे को ना चुपचाप से गन लेकर के यहीं पर वेट करना चाहिए, देखा जाएगा। यार मैं काम करता हूँ, सबसे पहले अपना मोबाइल निकालता हूँ और शेख को ना मैसेज वगैरह भेजता हूँ। वैसे तो ना मेरी इस टाइम पर बात हो गई है यार शेख से, तो शेख को मैंने ना पिक्चर्स वगैरह सेंड करी हैं इधर की, और उसने ना मेरे को ना 3-4 लैपटॉप लाने के लिए बोले हैं। वैसे काम उसका एक ही था, लेकिन उसने बोला कि यार एक काम कर दो लैपटॉप वगैरह उठा, और मेरे को ना एक काम करना चाहिए, यहाँ पर एक बंदा है ना
इसको ना यहाँ पर लगे रहने देते हैं काम करने के लिए। मेरे को ना सबसे पहले जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जैसे ये सामने लैपटॉप पड़ा है, एक लेफ्ट साइड में लैपटॉप पड़ा है, मेरे को ना दो तीन लैपटॉप ले जा करके यहाँ से रफू चक्कर होना पड़ेगा। अब एक काम करता हूँ, मैं ना चुपचाप से इधर कवर में हूँ, इस बंदे का ना जाने का वेट करते हैं। अब जब ये जाएगा तो उसके बाद ना मैं आगे की साइड जाऊँगा और जो लैपटॉप है उसको उठाऊँगा, बाद में थोड़ा और आगे की साइड जा करके और लैपटॉप है मैं उसको उठाने वाला हूँ। रुको रुको रुको, ये बंदा ना पूरी चेकिंग वगैरह कर रहा है, इसको शक ना हो जाए। नहीं 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 नहीं, चलो 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 चलो, वो बंदा जा चुका है तो ठीक है यार, अब तो कोई नहीं है ना। नहीं अब तो कोई भी नहीं है। अब जल्दी से मैं काम करता हूँ, इस लैपटॉप को उठाता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। मैंने ना लैपटॉप वगैरह उठा लिया और मेरे को ना चाहते हुए भी ना इस बंदे को यहाँ पर लॉकडाउन करना पड़ेगा, ठीक है। और उठ मत जा, जल्दी से ना भागता हूँ मैं इधर से। बापे मर जाना यार, गन मारूंगा अभी, कोई दिक्कत दे देगा ये। अब जल्दी से चलता हूँ और एक लैपटॉप मैंने उठा लिया, इसने देख लिया था, इसको शक हो गया था भाई, मैं सही बता रहा हूँ। ये ना थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, और भाई इन्होंने तो नहीं देखा, ये कौन सी सिक्योरिटी है। अब यार यहाँ पर ना कुछ अलग सीन चल रहा है, ये देख रहे हो, बहुत ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी है और मेरे पास बैग है, मैं इनके सामने क्यों घूम रहा हूँ। रुको रुको रुको, मेरे को एक काम करना चाहिए, अगर कोई मेरे से पूछेगा ना मैं कह दूंगा कि हाँ मेरे को कर्नल ने बोला है ये सामान इधर उधर रखने के लिए। और एक मिनट, ये किस वाली लोकेशन पर आ गया मैं, अबे पता नहीं यार, FIB लिखा है और ये कुछ प्रिजन टाइप है, पता नहीं मैं कहाँ पर आ गया हूँ। और ओ भाई, हाईटेक वेपन और एक अलग सिक्योरिटी। रुको चलता हूँ सीधा आगे की साइड, और ये किस चीज़ के लिए हाईटेक वेपन्स है, मतलब कुछ तगड़ी चीज़ होगी। और ये देखो, ओह भाई ये क्या एलियन है क्या ये, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या है ये, कॉस्ट्यूम है कि एलियन है, लेकिन मेरे को नहीं पता यार बिल्कुल भी। लेकिन इन्होंने ना कुछ पकड़ रखा है एलियन टाइप, पता नहीं यार, आप लोग कमेंट्स में जरूर से बताओ। और ये क्या कर रहा है, अरे यार ये तो मार के खा रहा है किसी चीज़ को। ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजर है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी। मेरे को ये लॉक है, भाई ये लॉक है, नहीं तो कब से भाग गए होते ये लोग तो। रुको बहुत हुआ, बस अब मेरे को ना यहाँ से निकल लेना चाहिए। अब मैं यहाँ से ना चुपचाप से निकल के भागता हूँ। हाईटेक वेपन्स अब मैं समझ गया हूँ कि ये लोग क्यों रख रहे हैं, ये लोग एलियंस वगैरह का कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इधर रख करके, जिस करके ये लोग एलियंस को लेकर के बैठे हैं इधर। और इस वाले रूम में चलना चाहिए मेरे को, ठीक है। चलो यार मैं जल्दी से ना इस वाले रूम में आ गया हूँ। और ये देखो ऊपर वाले फ्लोर पर भी एक UFO है, नीचे वाले से थोड़ा क्लियर दिख रहा है UFO। बस यार अब मेरे को ना यहाँ से भाग लेना चाहिए। और सामने की साइड कोई बैठा हुआ है क्या उसके अंदर, अपने मोबाइल फोन से ना मैं जूम करने की ट्राई करता हूँ। ये देखो ये एक कंट्रोल एरिया इस UFO का, कुछ नहीं पता भाई। अब निकलता हूँ मैं, भागता हूँ यार इधर से, जो सामान लेना था मैंने ले लिया है, बस बहुत हुआ यार। अब तो ना बाहर की साइड जा करके चुपचाप से मैं निकल जाने वाला हूँ और फ्रैंकलिन को बोल दूंगा कि फ्रैंकलिन अपना काम डन हो गया है, तो तेरी किस बात की है, हम लोग जल्दी से चलते हैं। अरे अरे अरे, अगर किसी को भी शक हुआ मैं बचा दूंगा सही में, तो चलो भाग करके निकलता हूँ सीधा इधर से। अब जल्दी से ना इसके ऊपर बैठ करके मेरे को इस टनल से बाहर निकलना चाहिए, इससे पहले कि किसी को शक हो जाए मेरे ऊपर। वैसे ना यार CCTV कैमरा की रिकॉर्डिंग में मैं आया हूँ कि नहीं आया हूँ मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन देखा जाएगा यार जो भी होगा। सबसे पहले तो ना मेरे को अपनी इस वाली बाइक को भगा करके यहाँ से निकल लेना चाहिए। और ये देख रहे हो यार, बहुत ज़्यादा डेंजर टनल थी। यहाँ से हम लोग राइट साइड में गए थे, वापस से फिर लेफ्ट में गए थे, तो ठीक है मैं ना चुपचाप से इस वाली बाइक को भगा करके यहाँ से चलता हूँ सीधा पार की साइड। और जो डोर है ना वो ज़्यादा दूर नहीं है, सामने की साइड मेरे को डोर नज़र आ चुका है। और यार यार भगा यार, कुछ भी हो जाए मेरे को निकलना होगा इधर से। ये जो लोकेशन है ना मेरे को बहुत ज़्यादा डेंजर लग रही है सही में। और ये देखो ये रहा वो डोर, अरे ओपन हो जाए यार। तो ठीक है गाइस, इस टाइम पर ना मैं बाहर की साइड तो आ गया हूँ इस डोर से, और अब मेरे को क्या काम करना है, जल्दी से चलना होगा सीधा फ्रैंकलिन के पास। और ये क्या है सामने की साइड देख रहे हो, एक वॉरशिप है यार इधर, इसको मैं जूम करके देखूँ क्या, कुछ भी है यार। मिलिट्री वाले ना बहुत ज़्यादा तगड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी है बहुत ज़्यादा ही है। और पुलिस भी है सामने की साइड, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ना अभी मैं अपने शैनबॉग में नहीं जाऊँगा, मैं ना कॉल कर देता हूँ फ्रैंकलिन को कि वो अलग चला जाए और मैं अलग चला जाऊँगा, ठीक है। जल्दी से ना मैं फ्रैंकलिन को कॉल कर देता हूँ। ओके तो गाइस, इस टाइम पर मेरी फ्रैंकलिन से पूरी बात हो गई है, तो उसको मैंने बोल दिया कि मैं ना बाइक से जा रहा हूँ, तू ना अपना शैनबॉग टैंक लेकर के जा, मेरे को लग रहा है ना बहुत ज़्यादा रिस्क वाला काम हो सकता है अगर हम लोग एक में जाएंगे। तो मैं ना अपनी बाइक को लेकर के यहाँ से भागता हूँ और यहाँ से चलते हैं सीधा शेख के पास,
तो आप लोग क्या कर रहे हो, जाओ यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक आपने नहीं करा। और देखो यार मैं ना बहुत ज्यादा शॉर्टकट से आगे की साइड तो आ गया हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से ना सीधा आगे की साइड चलते हैं शॉर्टकट वाले तरीके से। और वो देखो चार चार मिलिट्री की गाड़ियां जा रही हैं। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना गड़बड़ है कुछ ना कुछ, ये लोग शायद से मेरी तलाश में है या तो किसी को शक हो गया होगा उधर। और मैंने ना फ्रैंकलिन को बोल दिया कि दोनों टैंक को लेकर के कहीं और डायरेक्शन से निकल, मैं दूसरी डायरेक्शन से जा रहा हूँ छुपते छुपाते। तो चलो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाकर के जरूर से लाइक कर दो। जो लाइक है मैं वो है पूरे 40,000 लाइक्स का। चैनल को भी जरूर से कर दो सब्सक्राइब, हम लोग 7 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। और एक मिनट यार ये बाइक क्या बेकार सी है यार, इस टाइम पर अपने पास है बहुत ज़्यादा तगड़ा सामान शेक का, उसको दें कि ना दें, लेकिन उसको देना ही पड़ेगा नहीं तो यार शेख अपने को कच्चा चबा जाएगा। तो ठीक है यार अपनी पैल वर्ल्ड की वीडियो भी देखना बिल्कुल भी मत भूलना जो इसके पिछले एपिसोड था। और ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।